नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इट न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी दिलीप कुमार के फैन हैं तो ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए। बॉलीवुड एक्टर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को रविवार रात अस्पताल में एडमिट किया गया है। दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से जारी बयान के मुताबिक कल देर रात दिलीप साहब को अस्पताल में एडमिट किया गया। उन्हें निमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके बेहतर सेहत की दुआ करें। दिलीप कुमार के एक पारिवारिक मित्र फैसल फारूकी ने ट्विटर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य जानकारी दी। बता दें, इसके पहले 5 सितंबर को दिलीप कुमार को सीने में दर्द और चेस्ट में इंफेक्शन की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। दिलीप कुमार की उम्र 95 साल है। दिलीप कुमार काफी वृद्ध हो चुके हैं। वो आजकल सार्वजनिक मौकों पर नजर नहीं आते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। उनकी देखरेख पत्नी सायरा बानो करती हैं। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के कई दिग्गज दिलीप कुमार के घर जाकर उनकी सेहत का जायजा लेते रहे हैं।